2017 के विधानसभा इलैक्शन तो पहला कांग्रेस ने यह वादा किया कि असी घर घर रुजगार देवे उस दे तहत हूँ पंजाब गौरमेंट घर घर रुजगार दे देने दे लई कई सारिया पोस्टा कढ़ रहे हैं। ये सब तो जी इंपोर्टेंट लग रही है वह पटवारी दोस्टा है जड़ियाँ जनवरी के क्ढ़िया गई तो हूँ 8 अगस्त को उसका पेपर होना रिटन दे जिहड़ा ये पेपर होना उसके लिए की तैयारियां हो रही कि SSC बोर्ड की तैयारियां कर रहा वो बारे गलबात कर लेने साडे नाल इत्थे रमन बहल जी ने चेयरमैन ने SSC बोर्ड दे। बहल साहब की जिहड़ियां हुण तुसीं तैयारियां कर रहे हो आने वाले दिनों दे विच ये एग्जाम होना कोविड प्रोटोकॉल का किवें ख्याल रखा जाएगा? असीं 8 अगस्त नूं 1152 पोस्टां ने पटवारी दीआं जिहदे विच मोस्टली पटवारी ने नहरी पटवारी ने और जिलेदार ने इन्हां दा असीं 8 अगस्त नूं एग्जाम लैन जा रहे हैं। इहदे तकरीबन 2,33,181 के करीब एप्लीकेंट्स आए हैं और असीं उन्हां सारयां दी एग्जामीनेशन की तैयारी की है। मैनूं यह दसण च अज खुशी भी है कि इस रिक्रूटमेंट नूं मैरिट दे उपर और ट्रांसपेरेंट तरीके नाल चलाउण लई सरकार वल्लों उपराले किए जा रहे हैं और इस एग्जाम नूं खास करके चीफ सैकटरी साहबां दे लैवल ते सैकटरी परसोनल दे लैवल ते और DGP लैवल दे उपर इहदे प्रबंध जिहड़े ने ओह रिव्यू किए जा रहे हैं। मकसद पंजाब सरकार दा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का इको ही आ कि जिहड़ी रिक्रूटमेंट होवे ओह नरोल ते नरोल मैरिट दे उपर होवे पारदर्शिता नाल होवे और होण दे नाल नाल लोकां नूं भी नज़र आवे कि इत्थे पारदर्शिता और मैरिट जिहड़ी आ ओह मेनटेन की जा रही है। असी इस एग्जाम नू करन वास्ते पंजाब दे विच 560 सेंटर 13 जिले च बनाए ने और 41 सेंटर साडे चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी दे विच बने ने। इन्हां 560 सेंटरां दे विच जिथे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होणगे सुपरवाइजर्स होणगे उहदे नाल नाल ऑब्जर्वर्स होणगे उहनां नू भी उपर चैक वास्ते सो दैट इट शुड बी अराउंड 5 लेयर्स चैक उहदे च उहनां ने डेप्टी कमिश्नर और SSPs नू नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किया और डिप्टी कमिश्नर हर सेंटर दे अपने जिहड़े ऑब्जर्वर्स होणगे PCS ऑफिसर्स होणगे एग्जैक्टिव मिनिस्टर्स होणगे या कोई IAS ऑफिसर्स होणगे उन्हां नूं ओह तीन तीन चार चार सेंटर्स की जिम्मेवारी देणगे। सो दे विल बी ओवरऑल ऑब्जर्विंग वह जाके देखणगे भी कोई गलत काम तो नहीं हो रहा कोई पेपर ठीक हो रहा किसी किस्म का कोई उनताई तो नहीं हो रही और ये जिहड़ा SSP है वह लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेनटेन करने वास्ते अपने वक्रे वक्रे ऑफिसर्स लाएंगे और ये सारे प्रोसेस दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच पुलिस फोर्सेस जिहड़ियां ने आउणगियां और सैकेंडली जिहड़ी साडी ईवन क्वेश्चन पेपर्स दी मूवमेंट है टू दी स्ट्रोंग रूम वो भी इट विल बी गार्डेड बाय दी पुलिस और वो वीडियोग्राफी दे विच कैमरे दे विच CCTV कैमरे दे विच होएगी सो दैट हर एक्टिविटी जिहड़ी आ वो रिकॉर्ड होवे जिथे भी कोई चाहे उस रिकॉर्डिंग जिहड़ी आ उसनू दे सके ता जो लोगों के विच एक कॉन्फिडेंस भी बन सके। इस तो अलावा इन चीज़ों तो अलावा असी सिस्टम नू वधिया करन वास्ते जिहड़ियां OMRs ने जिवें 8 तरीक नू पेपर होना 1 घंटे 40 मिनट का पेपर है उस तो बाद इहदा दी OMRs की कलैक्शन जिहड़ी आ उह शुरू हो जाएगी और OMRs अपने सेंटर के उपर आउणियां शुरू हो जाएंगे उहदे आउंदे हुंदी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और स्कैनिंग दे होण दे नाल ऑलमोस्ट 3rd दिन उहदा जिहड़ा इमेज है वह वैबसाइट पर आजूगा तो बच्चों नू नाल उहदा आंसर की जिहड़ी प्रोविजनल है वह अगले दिन पै जूगी। सो हर कैंडीडेट नू पता होएगा कि मेरे किन्ने नंबर बनते हैं और जिस वक्त 5 दिन के बाद OMR सारियां आ जाएगियां तो उस वक्त बच्चों को आंसर की भी होएगी उन्होंने अटैम्प्ट भी होएगा तो जे कोई ऑब्जैक्शन करना चाहेंगे 3 दिन उन्होंने ऑब्जैक्शन देते जाएंगे ऑब्जैक्शन करने तो बाद फिर उन्होंने ऑब्जैक्शन एक एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी और डिसाइड करने तो बाद फाइनल रिजल्ट जिहड़ा वो डिक्लेयर करता जाऊगा और ये पहले पड़ाव का एग्जाम होगा जिस वक्त रिजल्ट आ जाऊगा उस तो बाद नैक्सट मंथ जिहड़े 1152 तो 10 गुणा तकरीबन 11,000 तो 12,000 कैंडीडेट्स नूं दोबारा कॉल किया जाएगा जिदा पेपर सिर्फ चंडीगढ़ के विच होगा और उहदे विचों जिहड़े कैंडीडेट सिलेक्ट होणगे वो फिर सरकारी नौकरी दे
हकदार बनेंगे। चेयरमैन साहब कितने इन्नी ट्रांसपेरेंसी इस करके तो नहीं की जा रही क्योंकि एलीगेशन बड़े लगते हैं कि सिफारशी भर्ती हो जाते हैं जो नेड़े होंगे ने लीडर के या अफसर के वह भर्ती हो जाते हैं जोड़े असली जोड़े हकदार होंगे रह जाते हैं। देखो बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, किसी वक्त सिस्टम के विश्वास लोगों का घट गया सी पिछले सालों च, पर तुसी देखिया भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जदों तों आए ने और जिन्नियां भी रिक्रूटमेंट्स होईयां ने तुसी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड है, मैनूं इस गल का फखर और माण है कि जिहड़ियां भी एस एस बोर्ड वालों रिक्रूटमेंटा कीतियां गईयां ने जिहदे विच साडे बड़े एफिशिएंट सैकटरी अमनदीप बांसल जी और उन्हां दी सारी क्लैरिकल टीम और साडे मैंबर साहिबान, असीं जिन्नियां भी कीतियां ने रिक्रूटमेंट्स मैनूं इस गल का फखर है कि सारियां ऑन मैरिट होईयां ने, भावें उह क्लैरिकल सीगियां भावें स्टैनो दियां सीगियां भावें एक्साइज इंस्पैक्टर सन भावें फिशरी ऑफिसर सन भावें फूड सेफ्टी ऑफिसर सन भावें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सन भावें वह क्लर्क लीगल सन भावें फिशरी ऑफिसर सन कानूगो सन, सारिया रिक्रूटमेंट जिहड़ियां ने वह प्योर मैरिट के उपर हुई ने। और मैं एक गल दसा भी आज जी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बायोमेट्रिक टेस्ट आए हैं, क्यों आए हैं, पहला किसी वक्त एक जगह की थान दूसरा बंदा बैठ जाता सी, अज उस चीज़ में भी खत्म किया गया, तीन स्टेजेस ते बायोमेट्रिक टेस्ट ने, एक पेपर देने वेले, एक जॉइन वेले और तीसरा काउंसलिंग वेले। सो जिस वक्त तिना स्टेजा के उपर कैंडीडेट आइडेंटिफाई हो जूगा भी जिन्हें पेपर दिता वो ही जॉइन कर रहा, सो इन चीज़ों का जैमर्स जड़े ने हर एग्जामीनेशन सेंटर के होगे, ईवन ताड़ी रिंग दे वेच कोई जी तुसी चीज़ लै जाते हो वह नहीं चल सकूगी। सो कहन तो भाव यह कि यह वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी कैमरा वा, जो ओएमआरई ताड़ी नैक्सट डे ताड़े कोल पहुँच जानी है फिर की रह गया। कई टाइम पहला हुंदा सीगा जिते छे छे महीने साल साल आर टी आई के लोग अपनी आंसर शीटा लभदे सी, हुण तो असी एक पेपर कराया फिशरी ऑफिसर का, असी उहदी कार्बन कॉपी कैंडीडेट नूं अपने नाल लै गया भी मैं की करके आया, घर जाके देख ला तू अपनी किताब कढ के आंसर वेख ला। सो इहदे नालों वध अच्छा दूसरी गल ये आ कि इंटरव्यू का नंबर कोई नहीं, वेयर इज़ द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जे ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई नहीं होगी तो फिर सिफारिश कितने या पैसे की गल कितने चलूगी, फिर भी लोग जो कोई ठग तुरे फिर समाज के भी यही करा दें वो करा दें तो फिर जो लोग अपने आप को ठगा ही चाहते हैं तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर एक गल का मैं विश्वास दवाना खासकर एस एस बोर्ड वालों और पंजाब सरकार वालों भी जितों तक इस रिटन एग्जाम है बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म है, बच्चे ने पेपर देना है, कैंडीडेट ने पेपर देना है, ओएमआरओ दी सामने आ जानी है, आंसर की अगले दिन आ जानी है, ऑब्जेक्शन उन्हें दे देने ने, रिजल्ट सामने आ गया तो फिर वो रह की गया। जो थोड़ा प्रोसैस हैगा पूरा ट्रांसपेरेंट हैगा, लेकिन जिवें तुसीं जिक्र भी किया बाहर बहुत सारे ठग ऐसे दलाल एजेंट होंगे ने जिहड़े तीन तीन पाँच पाँच लाख लैके दस दस लाख लैके कहिंदे ने कि असीं क्लीयर करा दिंदे आ साडे कोल सारी टकनीक हैगी आ, अगर कानून बनाउण वाले बनाउंदे ने ते तोड़न वाले अपना जुगाड़ लभ लैंदे ने, कुछ इस तरीके दे भरमाउण दीआं वी तैयारियां कीतीआं जाणगीआं कुछ उहनां लई या पेरेंट्स लई या उहनां कैंडीडेट्स लई वी तुसीं कहना चाहोगे कि इस चीज़ नूं कीवें? मेरी तो इक्को अपील आ खासकर कैंडीडेट्स नूं भी पेरेंट्स नूं भी उन्होंने रिश्तेदार हतेशिया भी बिल्कुल किसी की गल च ना आना, ना तो कोई लंबी चौड़ी इतने सिफारिश चलनी जे, ना ही कोई पैसे का प्रभाव है, ना ही कोई किसी की गल दे विच आना, क्योंकि देखो सिफारिश होवे या पैसा होवे उत्थे चलता जिते डिस्क्रिप्शन होवे, जो एक गल समझण की कोशिश करो भी जो अख्तियार ही कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन ही कोई नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस ही कोई नहीं, तो फिर किस चीज़ की मदद हो सकती है? एवें कोई गल नूं कह दिए यह तो बच्चे का नरोल नॉलेज, बच्चे का नो नरोल ज्ञान, बच्चे की नरोल मेहनत वो काम आनी है, जिहड़ा टॉप करेगा जिहड़ा सरवाइव करेगा अपनी नॉलेज दे विच अपनी एक्सपीरियंस दे विच अपने ज्ञान दे विच वह पास कर जूगा, अदरवाइज कोई किसी की मदद के उत्ते नहीं आ सकता, बहुत ये क्लीयर गल आ। और ये जिहड़ा फंडा ये पंजाब सरकार वालों भी क्लीयर किया गया और मैं समझना कैप्टन अमरिंदर सिंह इस गल के वधाई के पात्र ने, भी जो तक रिक्रूटमेंट की गल आ उन्होंने रिक्रूटमेंट नूं एक बारी बिल्कुल वधिया तरीके दे नाल चलाया, और तुसीं देखिया भी जिते जिते रिक्रूटमेंट गलत होईयां ने उत्थे पॉलिटिशियन भी सफर कीते ने, मैं नां नहीं लैणा चाहुंदा, कई पॉलिटिशियन जेलां दी सलाखां दे पिछे भी रह के आए, बहुत सालों तो बैठे ने, हाँ जी जी आ तुहाडे सामने जिहड़ा बहुत वड्डा एक चलो ना की लैणा केस होया सीगा पब्लिक सर्विस कमीशन का, कित्थे हुण कौन कौन जरूरत करेगा, कौन रिस्क लूगा? इस करके बिल्कुल। और दूजी गल आ सानू पब्लिक ओपीनियन भी क्रिएट करना चाहिए, खासकर मैं कैंडीडेट्स नूं अपील करूँगा कि जिहड़ा बंदा
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਓਪਨ ਹੈ OMR ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ OMR ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 200-300 ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਵੁਮਨ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸੀ ਰੂਲਸ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਔਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਆ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਤਾਂ 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਤਾ ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 28-27-28-29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ 693 ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ SS ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਔਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਡੋਕ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ SSC ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰ TV ਮੋਹਾਲੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ